आज हम आए इंदौर और यहाँ हम देखने वाले हैं बहुत सारे सैंडविचेस एक साथ बनते हुए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये भैया। तो सबसे पहले इन्होंने ले लिए ब्रेड, उसके ऊपर ये लगा रहे हैं तंदूरी टॉपिंग। और ये जो ब्रेड इन्होंने लिए है ये एगलेस है, ये खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और अब ये ऊपर से डाल रहे हैं प्याज, कैप्सिकम और टमाटर। मैंने तो इतने सारे सैंडविचेस एक साथ बनते हुए कभी नहीं देखे हैं। अगर आपने कहीं देखे हैं या कहीं बनाते हैं ऐसे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब ये डाल रहे हैं इसके ऊपर से पनीर। तो सोचिए कितनी टेस्टी होने वाली है ये सैंडविच। और आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं भैया। अगर आप इंदौर में रहते हैं या इंदौर जाने वाले हैं, सोच रहे हैं ऐसा कुछ, तो ये वाली जगह पे जरूर जाइए और यहाँ के सैंडविचेस जरूर ट्राई करें। और आप बाद में मुझे थैंक यू बोल देना। ये एक सैंडविच 3 लोगों के लिए काफी होती है क्योंकि इतनी बड़ी सैंडविच होती है ये। और अब ये इसके ऊपर से डाल रहे हैं हींग जीरावन। हींग जीरावन खड़े मसालों को पीस के बनता है, काली मिर्च, लौंग, जायफल और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत बारीकी से नहीं पीसते, थोड़ा मोटा मोटा करके पीसते हैं ताकि अगर मुंह में आए तो थोड़ा टेस्ट फील हो। अगर आप घर में रहते हैं, अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि कोरोना हो रहा है, तो आप लोग घर पे बना सकते हो क्योंकि पूरी रेसिपी मैंने वीडियो में दिखा दी है। अब इसके ऊपर से डाल रहे हैं चीज। देखिए कितना सारा चीज डाल रहे हैं। अगर आप चीज लवर है तो आपको ये बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप ये जरूर ट्राई करना। देखिए उधर से भी वो भैया चीज डाले और इधर से भी पूरी तरह से ये ढक दिया है सैंडविचेस को इन्होंने चीज डालकर। और अब ये इसके ऊपर से डाल रहे हैं मेयो। आप देख सकते हो कितनी स्पीड से ये हाथ चला रहे हैं भैया। यहाँ मैंने स्पीड तेज नहीं की हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेयो की टंकी चला दी हो। अब ये फायर यूज कर रहे हैं चीज को मेल्ट करने के लिए ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए और अंदर कच्ची ना रहे। और इस साइड ये भैया इन सैंडविच को कवर करने के लिए ऊपर से ब्रेड रेडी कर रहे हैं तंदूरी टॉपिंग लगा के। फिर से ये देखिए इन्होंने पूरी तरह से चीज को मेल्ट कर दिया है। इधर ये भैया सैंडविच को कवर कर रहे हैं दूसरी ब्रेड से जो इन्होंने रेडी करी थी अभी। देखिए देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और कितना सारा चीज ऊपर से दिखाई दे रहा है, सोचो खाने में कितना टेस्टी होने वाला है। और अब ये ऊपर से इस पे लगा रहे हैं शेजवान सॉस और इसमें इन्होंने चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर रखी है, वो दोनों का मिक्सचर ये लगा रहे हैं। देखिए अब ये 3 लेयर सैंडविच इन्होंने बना दिया है। 2 लेयर हमारी पहले से रेडी थी और 3rd लेयर ये अब हो गई है। तो सोचो कितना बड़ा सैंडविच है ये, तो अगर इसे खाने बैठ जाए तो 3 लोग आसानी से खाएंगे। अगर आप इंदौर में रहते हो और अपने दोस्तों को ट्रीट देना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि एक सैंडविच में 3 लोगों का पेट भर जाएगा और ये पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए भैया ने सैंडविचेस का स्टैक लगा दिया है, एक के ऊपर एक रख दिया इन्होंने। कितने सारे सैंडविचेस बन गए हैं। यहाँ पर ये सैंडविचेस ग्रिल किए जाएंगे। पहले इन्होंने बटर लगा दिया, देखो कितना सारा बटर लगा रहे हैं। वीडियो में इतने ड्रूलिंग लग रहे हैं, आप सोच सकते हो कितने ज्यादा टेस्टी होने वाले हैं ये। तो सैंडविचेस रेडी हैं और देखिए कैसे कट कर रहे हैं इतने बड़े नाइफ से।
अब इसमें डाल दी इन्होंने ग्रीन चटनी। और उधर देखिए भैया कैसे कट कर रहे हैं सैंडविच को, और इधर ये केचप डाल रहे हैं। देखिए हाथ कैसे चला रहे हैं भैया, जैसे कोई मशीन चल रही हो। अब ये इसमें ऊपर से डाल रहे हैं सेब, इन्होंने दो तीन टाइप की सेब मिक्स कर रखी है यहाँ पर। इंदौर में सभी चीजों के ऊपर से ये सेब डालते हैं। और यहाँ इन्होंने रख दिए थोड़े से चिप्स। और अब फिर से इतना सारा चीज डाल रहे हैं, पहले से इतना सारा चीज इन्होंने भर रखा है अंदर, और ऊपर से फिर से चीज डाल दिया है, तो कितना सारा चीज इन्होंने भर दिया है, कितना चीजी होने वाला है सैंडविच। और ऊपर से देखो ये कितना सारा मेयो डाल रहे हैं, फिर से अंदर भी इन्होंने इतना सारा भरा था, ये फिर से डाल रहे हैं। कितना लोडेड सैंडविच इन्होंने बना दिया है कि अगर इसे एक इंसान या तीन इंसान भी खाएंगे तो वो भी इसे खत्म नहीं कर सकते। और फिर से इन्होंने धनिया और जीरावन डाल दिया है ऊपर से, और सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। अगर आप ये सैंडविच कभी ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये सैंडविच।